आज जो जगह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो F-9 पार्क के नाम से मशहूर है। इसका नाम F-9 पार्क, कैपिटल पार्क और फातिमा जिन्ना पार्क है, यानी सरकारी तौर पर इस पार्क के ये तीनों नाम है, लेकिन अवामुन नास में ये F-9 पार्क के नाम से मशहूर है। हम F-9 पार्क के गेट नंबर 3 से दाखिल हो रहे हैं। F-9 पार्क के कुल 4 गेट हैं। गेट नंबर 1 मेहरान गेट, नंबर 2 बोलान गेट, नंबर 3 खैबर गेट, नंबर 4 रावी गेट। गेट नंबर 3 के साथ एक गाड़ियों की वसी व रीज पार्किंग है। इस तरह की पार्किंग इस पार्क के हर गेट के साथ मौजूद है। इस पार्क का संग बुनियाद 8 जून 1992 को उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ ने रखी थी। यह बच्चों के पार्क का गेट है जहां फ़ी बंदा 30 रुपये फीस ली जाती है। इस्लामाबाद के किसी भी चिल्ड्रन पार्क के मुकाबले में ये एक वसीव अरीज और जदीद सहूलतों का हामिल पार्क है। हर एक खेल कूद की इंस्ट्रूमेंट के साथ ये प्लास्टिक नुमा टाइल्स भी लगे हुए हैं ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई बच्चा गिर जाए तो उसे चोट न लगे। बच्चों के खेल कूद का हर एक आइटम बहुत जदीद और साफ सुथरा है। हर एक आइटम दूसरे से काफ़ी फासले पर है, जिसमें न तो ज़्यादा बच्चों का रश बनता है और मकदार भी बहुत ज़्यादा है। बच्चे सब के साथ खेलते हुए सही तक जाते हैं, दिल न करती हुई भी थकावट की वजह से वापस घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बच्चों के पार्क में सिर्फ एक दफ़ा 30 रुपये फ़ीस देकर अंदर एक दो चीज़ों के अलावा बाकी तमाम सहूलियात फ्री है और हर एक फैसिलिटी एक से बढ़कर है। बच्चों के झूले भी मुख्तलिफ किस्म के लगाए गए हैं, बड़े बच्चों के लिए अलग और छोटे बच्चों के लिए अलग अलग साइज़ के झूले लगाए गए हैं। पूरे चिल्ड्रन पार्क के अंदर सिर्फ ये चंद आइटम्स जो कि बिजली से चलती है, बाकी तमाम आइटम्स फ्री ऑफ कास्ट है। इसमें हर एक आइटम को यूज़ करने की 50 रुपये फ़ीस ली जाती है। Thank you.
یہ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے ایکسرسائز آئٹمز لگائی گئی ہیں جس کو ہمیں ضرور استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہیلتھ از ویلتھ، اور آج کل کے دور میں ورزش کا موقع بہت مشکل سے ملتا ہے، لہٰذا ہمیں ایسے موقع کو غنیمت سمجھ کر ورزش کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اس پارک میں کچھ گھنٹے گزارنے کے بعد دو چیزوں کی مجھے اشد ضرورت محسوس ہوئی، ایک پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور دوسرا نماز پڑھنے کے لیے انتظامیہ کو ایک چھوٹی سی صاف ستھرا مسجد بنانی چاہیے جس میں لوگ آرام سے نماز پڑھ سکے، اور سب سے آخر میں آپ لوگوں سے التماس ہے، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آل نوٹیفیکیشن آپشن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آ سکے۔ تھینک یو۔